दंगल टीवी पर सिर्फ एक महीने पहले शुरू हुआ शो पिया अभिमानी पर निकल कर गई है बहुत बड़ी बुरी खबर। ये शो हो रहे हैं ऑफ एयर और इस शो का लास्ट एपिसोड शूट किया जाएगा कल यानी 15 अप्रैल को। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम बात करेंगे पिया अभिमानी सीरियल पर ऐसा क्या बुरी न्यूज निकल कर आई है। अक्षित सुखेजा स्टारर शो दंगल टीवी के न्यूली लॉन्च पिया अभिमानी सीरियल पर निकल कर गई है बहुत बुरी खबर। ये शो हमें 27 फेब से शाम के 6 बजे देखने को मिल रहा है दंगल टीवी पर। इस शो की टीआरपी काफी ज्यादा लो निकल कर आ रही है, इसलिए इस शो को सिर्फ 30 एपिसोड कंप्लीट करने के बाद ऑफ एयर किया जा रहा है। इस समय आईपीएल की वजह से सभी शोज की टीआरपी काफी ज्यादा लो निकल कर आ रही है, तो टीआरपी ही एक वजह है जो एक महीने पहले ही शुरू हुआ शो को ऑफ एयर किया जा रहा है। ये शो शाम के 6 बजे टेलीकास्ट होता है, उसकी वजह से ही शो का टीआरपी काफी ज्यादा लो निकल कर आ रही है। 0.2 या 0.3 ही टीआरपी इस शो को मिल रहा था, इसलिए मेकर्स ने सोचा कि इस शो को ऑफ एयर किया जाए। इस शो का लास्ट एपिसोड कल किया जाएगा, तो आप कितना ज्यादा मिस करने वाली है इस शो को कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। स्टार प्लस के ब्लॉकबस्टर शो एंड टेलीविजन के नंबर 1 शो अनुपमा पर निकल कर आ गई है बहुत बड़ी खबर। रूपाली गांगुली स्टारर शो अनुपमा को फैंस काफी ज्यादा पसंद करते हैं। खबर ये निकल गई है इस शो में बहुत ही जल्द आने वाला है लीप। खबर तो ये निकल गई है इस शो में बहुत ही जल्द 4 से 6 साल का लीप आने वाला है। उसके बाद अनुपमा यानी रूपाली गांगुली की कहानी पूरी तरह से बदलने वाली है शो में। तो अनुपमा और अनुष्का फिर से हमें साथ देखने को मिलेगा, वो हमें जब ये लीप आएगा तभी पता चलेगा। तो इस न्यू लीप को देखने के लिए आप कितना ज्यादा एक्साइटेड है कॉमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। टेलीविजन की गोपी बहू यानी आपके फेवरेट देवोलीना भट्टाचार्य के फैंस के लिए आ गई है काफी ज्यादा खुशखबरी, क्योंकि आपके फेवरेट गोपी बहू यानी देवोलीना फिर से टेलीविजन पर वापसी करने के लिए तैयार है। खबर ये निकल रही है कलर्स टीवी के अपकमिंग रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 के लिए उनको अप्रोच किया गया है। खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 में टेलीविजन के बड़े बड़े स्टारों को अप्रोच किया गया है। आपके फेवरेट देवोलीना को भी इस शो के लिए अप्रोच किया गया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो हमें इस शो में नजर आने वाली है। गोपी बहू यानी देवोलीना को साथ निभाना साथिया सीजन 1 में फैंस ने काफी ज्यादा पसंद किया था, साथ निभाना साथिया सीजन 2 में भी उनको लाया गया था। तो देवोलीना को फिर से टेलीविजन के पर्दे पर देखने में फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड भी हो रहे हैं। तो इनको इस शो में देखने के लिए आप कितना ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। अगर वीडियो देखने में अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे नए अपडेट्स के लिए। तो देखते रहिए एंटरटेनमेंट की बात जहां पर हम देते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले।